क्वेश्चन नंबर एट है स्टूडेंट्स कैलकुलेट द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग सेल्स विच रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन तो स्टूडेंट्स आपके पास एक नेट रिएक्शन गिवन है आपने एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहे हैं आपने वो बताने तो so, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास के जो कॉपर है कॉपर पे ऑक्सीडेशन हो रही है एट एनोड कॉपर पे आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट हो रहा है आयनिक फॉर्म के अंदर प्लस टू ई नेगेटिव एड कैथोड आप बताएंगे क्या आपके पास रिएक्शन हो रहा है टू ए सिल्वर पॉजिटिव प्लस टू ई नेगेटिव आपके पास टू तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने इसी में से इंटरप्रेट कर कर लेना है क्वेश्चन में से कि एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यूज जो हैं वो याद रखनी पड़ेंगी यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है प्लस पॉइंट एट ज़ीरो दैन यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास जो वैल्यू है वो है टोटल पोटेंशियल पे प्लस प्लस ज़ीरो पॉइंट थ्री फोर अब स्टूडेंट्स हम इससे क्या करेंगे फॉर दैट ऑफ आपके पास कॉपर है एंड ये दैट ऑफ सिल्वर है अब हम क्या कर रहे होंगे कि आपके पास कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं सबसे पहले कैथोड माइनस दैट ऑफ एनोड तो आपने डेल्टा आपने क्या करना है कि ई e की वैल्यू निकालनी है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कैथोड के लिए प्लस ज़ीरो पॉइंट एट ज़ीरो पर माइनस इंटू इंटू प्लस आपके पास आ जाता है ज़ीरो पॉइंट थ्री फोर अब हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको हम सब्ट्रैक कर देंगे साइंस की वजह से जीरो पॉइंट एट जीरो माइनस जीरो पॉइंट थ्री फोर तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आंसर आ गया पॉइंट फोर सिक्स वोल्ट्स देन स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट बी है जिसके अंदर जिंक है जिंक स्टूडेंट्स आपके पास एट एनोड स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इक्वेशन में अगर देखें तो आपके पास जो निकल है निकल पे हो रही है आपके पास ऑक्सीडेशन यानी कि वो इनोट के तौर पे एक्ट कर रहा है प्लस टू प्लस टू ई नेगेटिव और आपके पास जो जिंक है उस पर डिडक्शन हो रही है जिंक प्लस टू ई नेगेटिव दैन स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाता है जिंक सॉलिड फॉर्म में देन स्टूडेंट्स आपने ये रिएक्शन लिख लिए अब आपके पास स्टूडेंट्स जो पोटेंशियल की वैल्यू है फॉर देट ऑफ फॉर देट ऑफ निकल वो आपके पास है माइनस पॉइंट टू फाइव वोल्ट एंड फॉर दैट ऑफ जिंक आपके पास वैल्यू है स्टैंडर्ड कंडीशन पे आपके पास वैल्यू है माइनस ज़ीरो पॉइंट सेवन सिक्स अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे कैथोड और एनोड को क्या कर रहे होंगे ऐड कर रहे होंगे कैथर्ड के लिए स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती वैल्यू माइनस पॉइंट सेवन सिक्स आपके पास माइनस माइनस ज़ीरो पॉइंट टू फाइव तो स्टूडेंट्स इसको आप जब करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो नेगेटिव में आने वाला है जीरो पॉइंट सेवन सिक्स माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट फाइव तो स्टूडेंट्स यह आंसर आपके पास नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब यह है कि ये रिएक्शन आपके पास स्पॉन्टेनियस नहीं है ये नहीं हो सकता एज रिक्वायर्ड कंडीशंस जो आपके पास गिवन है उस पर देन स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट सी है पार्ट सी पे स्टूडेंट्स आपके पास हम लिखेंगे एट एनोड एनोड पे आपके ऑक्सीडेशन हो रही है आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है एलुमीनियम एलुमीनियम स्टूडेंट्स आपके पास ए एल प्लस थ्री में कन्वर्ट हो रहा है प्लस थ्री ई नेगेटिव देन स्टूडेंट्स एट के थर्ड आपके पास क्या हो रहा है एट के थर्ड स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है अब हाइड्रोजन पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो रहे हैं और हाइड्रोजन जो अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है अब स्टूडेंट्स आपके पास अगर देखा जाए तो आपके पास हाइड्रोजन के लिए जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आपके पास 0.00 पॉइंट होती है बाय कन्वेंशन और आपके पास एलुमिनियम के लिए रिएक्ट वैल्यू होती है एनोड के लिए तो एलुमिनियम के लिए हम वैल्यू लिखेंगे माइनस वन पॉइंट वोल्ट अब स्टूडेंट्स क्या हुआ क्या हमने कैलकुलेट करना है e ई की ई e नॉट की वैल्यू हम क्या करेंगे कैथोड आपके पास जीरो है जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो है माइनस इंटू माइनस वन पॉइंट सिक्स सेवन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस वन पॉइंट सिक्स सेवन जिसका मतलब डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये है कि ये रिएक्शन आपके पास स्पॉन्टेनियस है यानी कि अगर आप कपल करते हैं एलुमिनियम को विद दैट ऑफ हाइड्रोजन तो आपके पास एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी जहाँ पे एलुमिनियम ऑक्सीडाइज होगा और कैथोड पे आपके पास स्टूडेंट्स रिडक्शन होगी जहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन रिड्यूस होगी